StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल शुक्रवार को गूगल ने भारत की कई कंपनियों के खिलाफ बड़ा कदम लिया है। बेसिकली आपको पता होगा, भारत में ज्यादातर जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो एंड्रॉयड वाले हैं, मतलब बहुत कम संख्या होगी जो कि एप्पल का इस्तेमाल करते हैं। लगभग 95% से ज्यादा एंड्रॉयड के यूजर्स हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करना है, जैसे कि मान लो अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप StudyIQ ऐप डाउनलोड करते हैं, तो आप प्ले स्टोर में जाते हैं, गूगल प्ले स्टोर में, और वहां पर जाकर सर्च करते हैं StudyIQ और आपको ऐप मिलता है और फिर आप डाउनलोड कर लेते हो। ऐसे ही होता है। तो क्या हुआ है कि भारत की कई बड़ी कंपनी, जैसे आपने Naukri.com के बारे में सुना होगा, शार्क टैंक में अनुपम मित्तल आते हैं, उनका जो शादी.com है, कई सारे जो ऐप्स हैं उनको डिलीस्ट कर दिया, उसको रिमूव कर दिया है। ये आप देख पाओगे, डार्क डे ऑफ इंडियन इंटरनेट, गूगल डीलिस्टिंग स्पार्क्स अ शो डाउन विथ इंडियन ऐप मेकर्स। और इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली मामला क्या है, मतलब गूगल क्या कह रहा है, भारत की ये जो कंपनीज हैं वो क्या कह रही हैं, और मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। मैं आपको बता दूं, 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ जजमेंट आया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो जीएस का फाउंडेशन बैच है यूपीएससी का, वो आपको 4 मार्च से स्टार्ट होते हुए दिखेगा। तो आपके पास समय, अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल बैच के माध्यम से आपको पूरी तैयारी कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको मिलता है। बस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, बताया जा रहा है कि गूगल ने कम से कम 23 ऐप्स को डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है प्ले स्टोर से। और ये जो 23 ऐप्स हैं वो करीब 9 इंडियन कंपनीज की देखने को मिलती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल Matrimony.com, इनके कई सारे ऐप्स हैं, इनके 13 ऐप्स को डीलिस्ट कर दिया गया, जैसे भारत मैट्रिमोनी हो गया, केरला मैट्रिमोनी हो गया, इस तरह से अलग अलग राज्यों का आपको देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा InfoEdge करके एक कंपनी है, 3 ऐप उनके भी डीलिस्ट कर दिए गए, जैसे Naukri.com, Naukri, रिक्रूटर, 99Acres, ये सब कुछ आपका InfoEdge का है, उसको भी रिमूव कर दिया गया। शादी.com आपने सुना ही होगा, शार्क टैंक पर जो अनुपम मित्तल आते हैं उनकी कंपनी है, उन सभी के ऐप्स को हटा दिया गया है। बेसिकली गूगल ने क्या किया, फ्राइडे की सुबह ब्लॉग में पोस्ट किया और बताया कि यहां पर जो भी कंपनी पेमेंट पॉलिसी को फॉलो नहीं करती है, मतलब गूगल की जो पेमेंट पॉलिसी है, डोंट वरी, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा यह है क्या, तो अगर कोई कंपनी उसको फॉलो नहीं करती है तो हम उनके ऐप्स को हटा देंगे। और धीरे धीरे क्या होने लगा, फ्राइडे को धीरे धीरे करके यहां पर लिस्ट आने लग गई और बताया गया कि ये जो कंपनीज हैं उनको हटा दिया गया है। अब डिलिस्टिंग का मतलब क्या है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, भारत में 95% से ज्यादा जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है अब अगर वो ऐप्स को सर्च करेंगे एंड्रॉयड पर तो वो उनको वहां पर नहीं मिलेगा और उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और इनफैक्ट यहां पर कई ऐसे कंपनीज हैं जिनका iOS पर भी ऐप नहीं है, मतलब कि उनके लिए तो बहुत नुकसान है कि उनके ऐप को ही यहां पर हटा दिया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि यह मामला है क्या, आखिरकार गूगल ने ऐसा किया क्यों। देखो, यह पूरा मामला आपको देखने को मिलेगा गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम और गूगल पेमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, मतलब एंड्रॉयड ऐप्स के ऊपर यहां पर जो गूगल प्ले का बिलिंग सिस्टम है और जो गूगल का पेमेंट पॉलिसीज है उससे रिलेटेड ये पूरा मामला है। बेसिकली क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए अगर आप नेटफ्लिक्स, ठीक है, अगर आप नेटफ्लिक्स को डाउनलोड करते हैं गूगल ऐप से, और अगर आपको कोई भी सीरीज वगैरह देखना है, मूवी देखना है नेटफ्लिक्स पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करोगे। मान लो अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो और इसके लिए आपने ₹1000 पे किए, तो इस ₹1000, मतलब जो आपने ₹1000 दिए हैं, क्या ये पूरा ₹1000 नेटफ्लिक्स के पास जाएगा, नहीं। यहां पर क्या है कि इसका कुछ हिस्सा गूगल ले लेता है। तो बेसिकली क्या है कि जो भी एप्स गूगल प्ले स्टोर पर हैं उसमें गूगल ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर आपके ऐप में जाकर कुछ परचेस करता है तो जितना का परचेस करता है उसका कुछ हिस्सा आपको हमें देना पड़ेगा। तो यही है आपका गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम, मतलब गूगल कहता है कि आपको यही वाला बिलिंग सिस्टम को फॉलो करना है, ऐसा गूगल का कहना है। अब क्वेश्चन यह है कि गूगल कितना चार्ज करता है। देखिए, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आप देखिए, यहां पर बताया जाता है कि जिन कंपनीज का भी रेवेन्यू $1 million तक है तो उनको गूगल को 15% सर्विस फी देना होता है।
और जिन भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपका $1 million से ज्यादा है, उनको अपना 30% देना होता है। मतलब जस्ट इमेजिन, अगर मैं कहता हूं कि कोई कंपनी है जिसका 100 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है, तो 100 करोड़ का मतलब इसका 30%, मतलब 30 करोड़ तो अकेले गूगल के पास चला जाता है। फिर बाकी का पैसा यहाँ पर उस कंपनी के पास जाता है और फिर उस कंपनी को अलग अलग टैक्सेस भी भरने होते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है, आपने देखा होगा सब्सक्रिप्शन मॉडल भी होता है। तो मान लो अगर किसी ने 1 महीने के लिए ₹1000 आपने नेटफ्लिक्स पर पे किया, अब अगले महीने भी आपका ऑटोमेटिकली कट जाएगा पैसा ₹1000 आपके अकाउंट से, तो वो जो सब्सक्रिप्शन वाला प्रोडक्ट होता है उसमें 15% ही चार्ज किया जाता है, ठीक है, उसमें 30% नहीं होता है। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि गूगल ये चार्ज क्यों करता है। देखो, ये बात सही है, गूगल को भी थोड़ा चार्ज करना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा अमाउंट होना चाहिए। ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, ये ऐसा कंपनीज का कहना है कि ये बहुत ह्यूज अमाउंट है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर, अब उसको भी तो चलाना है, गूगल को भी तो अपना पूरा ऐप संभालना है, बैकएंड टीम संभालनी है, बहुत बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है। तो उसके लिए यहां पर गूगल कहता है कि हमें सर्विस फी चार्ज करना होता है, तभी हम ये पूरा जो प्ले स्टोर है उसको मेंटेन कर पाते हैं। तो ये भी बात सही है गूगल की, एक तरह अगर आप देखोगे तो उनको अपना मेंटेन करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है, कंपनीज का कहना है कि आप बहुत हाई चार्ज करते हो, अगर आप ऐसे ही करोगे तो क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली ये जो कंपनीज हैं उनको कस्टमर से हाई चार्ज करना पड़ेगा ताकि वो गूगल को वो पैसा दे पाए। तो ये मेन प्रॉब्लम है। अब क्या हुआ था, ये मामला पहुंच गया था भारत की एजेंसी CCI के पास, आपको पता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यहां पर देश में कंपटीशन बना रहा है उसको लेकर ये काम करते हैं। तो जब ये पूरा मामला चल रहा था पिछले 2-3 वर्षों में, और ये मामला सिर्फ भारत का नहीं है, पूरे दुनिया में आपको ये इशू देखने को मिलेगा, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि देखिए, आप कंपनीज को ये नहीं कह सकते कि आपको सिर्फ गूगल बिल पे प्ले बिलिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल करना है, आप कोई और बिलिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लो अगर आपने नेटफ्लिक्स या कोई भी ऐप डाउनलोड किया, ठीक है, तो उसमें आप जब परचेज करते हो कोई चीज, तो यहां पर CCI ने यह कहा कि आप सिर्फ यही ऑप्शन मत दीजिए, आप कस्टमर को और भी ऑप्शन दीजिए कि वो और भी बिलिंग सिस्टम के थ्रू वो पे कर सके, ऐसा CCI का कहना था। और इसको कंप्लाई करते हुए गूगल ने कहा कि चलो हम 3 ऑप्शन यहां पर आपसे देंगे, और वो 3 ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन तो यह है कि डायरेक्टली जो गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जाए, दूसरा सिस्टम है एक ऑल्टरनेटिव बिलिंग सिस्टम, दूसरे पेमेंट मेथड के थ्रू किया जाए, फिर तीसरा है यहां पर कंजम्पशन ओनली बेसिस विदाउट पेइंग अ सर्विस फी। लेकिन देखो, अब मैं बताता हूं, ये 3 ऑप्शन तो गूगल ने दे दिया, ठीक है, यहां पर कंपनीज का ये कहना है जिनके एप्स हैं गूगल प्ले स्टोर पर, उनका ये कहना है कि दे आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ये ऑप्शन देने के बावजूद भी, ऑल्टरनेटिव बिलिंग सिस्टम देने के बावजूद भी, गूगल उनसे 11% और 26% फी चार्ज करता है। 11-26 ये वही वाला है जो मैंने आपको बताया ना, $1 million तक 15% चार्ज करता है, तो 15 की जगह अब 11 करता है, और जिनका रेवेन्यू $1 million से ज्यादा है उनको 30% के बजाय 26% करता है, ठीक है। तो यहां पर कंपनीज का यह कहना है कि एक तो गूगल हमें अभी भी इतना सारा चार्ज कर रहा है जो कि अनफेयर है, और साथ ही साथ जो CCI का ऑर्डर था उसको भी वॉयलेट करता है। गूगल ने यहां पर जिस तरह से अल्टरनेटिव सिस्टम देने के बावजूद भी हमें जो चार्जेस लगाए हैं वो CCI के ऑर्डर के खिलाफ जाता है। अब देखो यहां पर क्या है, गूगल ये कह रहा है कि देखिए, देश भर में, मतलब भारत के अंदर अगर आप देखोगे 2 लाख से ज्यादा ऐप डेवलपर्स हैं जिनके ऐप्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर देखने को मिलते हैं, और सभी ये नियम कानून को फॉलो करते हैं। यहां पर भारत में सिर्फ यही कुछ 10 ऐसे कंपनीज हैं, डेवलपर्स हैं, जो इस नियम को फॉलो नहीं करते, और हमें जो सर्विस भी मिलना चाहिए वो ये कंपनीज नहीं देते। तो क्या है कि अगर हम इन कंपनीज को ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक तरह से जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो खराब हो जाएगा, मतलब कि यहां पर बाकी सभी जो ऐप हैं, ऐप डेवलपर्स हैं, वो पैसा पे कर रहे हैं, गूगल का सर्विस फी पे कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ कंपनीज हैं वो पे नहीं कर रहे थे, इसी की वजह से हमें यहां पर ये एक्शन लेना पड़ गया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने February 9th को, अभी जस्ट 2-3 हफ्ते पहले, ये कहा गूगल को कि देखो, अगर आपको डीलिस्ट करना है तो आप डीलिस्ट कर दो, हम आपको रोकेंगे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि यहां पर गूगल को एक तरह से हरी झंडी मिल गई, इसीलिए यहां पर गूगल का अब ये कहना है कि हमने, देखिए, जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं उनको 3 साल का समय दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी हमने उनको 3 हफ्ते का समय दिया, लेकिन फिर भी वो हमारे पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे थे, और इसीलिए हमें उनके ऐप्स को हटाना पड़ गया है। लेकिन अल्टीमेटली देखो, इसके होगा क्या, इसका
एक बहुत बड़ा इंपैक्ट भारत के स्टार्टअप्स पर आएगा। यहां पर जो फाउंडर्स हैं कई सारे स्टार्टअप्स के, उन्होंने कहा इट्स अ डार्क डे फॉर इंडियन इंटरनेट। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर जो matrimony.com के फाउंडर सीईओ हैं, उनका यह कहना है कि 20 साल पहले जब गवर्नमेंट के लॉज फॉलो होते थे देश के अंदर, यहां पर जो इंटरनेट है वो कैसे चलेगा, क्या होगा, तो वो सब कुछ सरकारें डिसाइड किया करती थी। लेकिन आज के डेट में भारत में सिर्फ दो कंपनी, दैट इज एप्पल और गूगल, यही डिसाइड करती हैं कि इंटरनेट कैसे चलेगा। सो द पीपल मस्ट हैव एक्सेस टू दिस, और यहां पर एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर एक और कंपनी है, क्वैक क्वैक डेटिंग ऐप है, उनके भी जो सीईओ है उनका कहना है कि हमारा 95% जो ट्रैफिक है वो एंड्रॉइड से आता है, हर दिन 25,000 डाउनलोड्स होते हैं हमारे ऐप्स के, 90% हमारा रेवेन्यू यहां पर हिट होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस स्टेप, और इसकी वजह से हमें काफी नुकसान होगा। और अल्टीमेटली यहाँ पर जो फाउंडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें गूगल की बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि हम अपना बिजनेस तो बंद कर नहीं सकते। तो अल्टीमेटली उनको ना कुछ करते हुए भी जो पूरा पैसा है 15% और 30% जो मैंने आपको बताया वो उनको देना पड़ेगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो अनुपम मित्तल, जिनका शादी.com है, उनकी तरफ से भी ट्वीट आया और उन्होंने कहा टुडे इज अ डार्क डे फॉर इंडियन इंटरनेट। यहाँ पर उनका कहना था कि जो गूगल है उनका फॉल्स नैरेटिव है, एंड हाउ कैन They do such things. साथ ही साथ वो ये कह रहे थे their false narratives and audacity show they have little regard for India. Make no mistake, this is the new digital ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बेसिकली वो कंपेयर कर रहे थे वो जो पहले का ईस्ट इंडिया कंपनी हम जो पढ़ते हैं इतिहास में उससे, एंड दैट इज व्हाई ही सेड सेव आवर स्टार्टअप्स। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो naukri.com और वो जो कंपनीज मैंने आपको बताया था उनकी तरफ से जो फाउंडर हैं संजीव भिकचंदानी, उनकी तरफ से बोला गया इंडियन कंपनीज विल कंप्लाई, क्योंकि उनको कंप्लाई करना ही पड़ेगा, बट वॉट इंडिया नीड इज एन App Store, Play Store, that is part of digital public infrastructure. जैसे UPI और ONDC, ये आज के डेट में public infrastructure के अंदर आता है, digital public infrastructure. तो उसी के अंदर हमें App Store, भारत का खुद का App Store develop करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको popular बनाना चाहिए, ताकि इस तरह की मनमानी यहाँ पर देश में ना कर सकें Google और बाकी के जो companies हैं। खैर, I hope कि ये पूरे वीडियो में आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि exactly क्या हुआ है। और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो भारत में, मतलब डेट्रॉयट ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखोगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो भारत में आपको सबसे बड़ी ये कहां देखने को मिलेगी इन चार ऑप्शन में से, इसको डेट्रॉयट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।